ये अद्वैत कथा है श्री वसुदेव का और सब कुछ है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे के अंतर्गत साक्षात गुरुदेव मौजूद हैं, उनके चरणों में मैं अनंत कोटि जन्म अर्पित करते हुए लोटपोट करता हूँ। सारी गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि जन्म प्रणाम। उपस्थित त्रिदंडी स्वामियों के चरणों में मेरा जन्म प्रणाम। समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथाजन प्रणाम। मैं श्री गुरुदेव का लेक्चर सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था। गुरुदेव ने एक बात बोली कि महाप्रभु जी की भक्ति पूजा किस रूप में हो सकती है। कृष्ण को हम पांच रसों में पांच भाव से भक्ति करते हैं, शांत दास सख्य वात्सल्य और माधुर्य। लेकिन महाप्रभु जी की जो भक्ति है वो सिर्फ दो दो तरह से हो सकती है, शांत और दास। उससे ऊपर हम चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। कई लोगों ने ऐसा किया, उनको कृष्ण मान के और खुद अपने को नागरी मान के ये नागरी बात करके महाप्रभु जी की भक्ति करने की कोशिश की। ये अब संप्रदाय रहा है। तो हमें शांत भाव से या दासी भाव से महाप्रभु जी की भक्ति करनी है। शांत भाव में प्रार्थना होती है, वंदना होती है, अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हैं हम चरणों में, चरणों से निपटने की चाहत होती है। ये चीज वात्सल्य में नहीं हो सकती, ये चीज वात्सल्य में नहीं हो सकती, ना ही माधुर्य में हो सकती है। सखा लोग थोड़ी कृष्ण के चरणों में लोटपोट करेंगे, वो तो कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, अपने पैर उनके ऊपर रख देते हैं। आज हम गए समुद्रगढ़, तो वहां राजा समुद्र सेन थे। उन्होंने कहा मैं भीम को पकड़ लेता हूं तो मैं ये कृष्ण के दर्शन होंगे। वो रोज रो के रोज कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। है तो ये दास्य भाव, पर भक्ति किसकी चाहते हैं, कृष्ण की चाहते हैं। और भीम को पकड़ के कृष्ण को देखना चाहते हैं। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे और भीम से लड़ पड़े और भीम को एक किस्म से हरासा दिया और कृष्ण से लगातार प्रार्थना किए जा रहे थे, कृष्ण आप अपने दर्शन कराओ, तो कृष्ण वहां प्रकट हो गए, भीम को नहीं दिखाई दिए। और कृष्ण जब प्रकट हुए तो उनको महाप्रभु जी याद आ गए। किनको? राजा को, समुद्र सेन। प्रभु ये जो आपका इस स्थान का अवतार है उसके दर्शन। तो उस समय उन्होंने महाप्रभु जी के दर्शन कराए और महाप्रभु जी को ये समर्पित हुए। उनसे उन्होंने प्रार्थनाएं की, दास भाव की, भक्ति की और उसी समय महाप्रभु जी स्प्रिट हो गए राधा कृष्ण। देखो तात्पर्य ये कि किस तरह से हम महाप्रभु जी की भक्ति के द्वारा फिर किसकी भक्ति में पहुंच गए, राधा कृष्ण की भक्ति पे पहुंच गए। ऐसे ही जयदेव गोस्वामी जी यहाँ आज गए, वो चंपक पुष्प से अपने ठाकुर जी की राधा कृष्ण की पूजा करते थे और बड़े ऊंचे ऊंचे उन्होंने लेख लिखे। लेकिन जब राधा जी की चरणों में कृष्ण शीश नभा रहे हैं ये चीज नहीं लिखे। उनके हृदय में तो उद्गार आए पर वो लिख नहीं सके, उसके नहाने के लिए चले। तो जब चंपक फूल से उनकी पूजा कर रहे थे तो देखते देखते वो चंपक फूल जैसे ठाकुर जी हो गए, उनके श्याम रंग के ठाकुर गौर वर्ण हो गए।
महाप्रभु जी का उन्होंने दर्शन किया, लोटपोट हो गए, उनके चरणों में लेट गए और उनसे प्रार्थना की। तब महाप्रभु जी ने उनको कहा कि ये मेरा स्वरूप है जो मैं कलयुग में यहाँ आके प्रकट होऊंगा, और मुझको तुम्हारा गीत गोविंद बड़ा पसंद है, और तुम्हारे गीत गोविंद को मैं श्रवण कर करके और भावों में डूबा करूंगा, तुम यहां से जगन्नाथपुरी चले जाओ। अब ये रोने लगे, लगता है हमसे कोई अपराध हो गया जो आप नवदीप धाम से हमको कहने जा रहे हो जगन्नाथपुरी। बाद में भगवान ने जो ये बहुत रोए, ये उनका दास भाव, रोए, प्रार्थना की कि नहीं तुम्हारी इच्छा थी जगन्नाथपुरी जाने की, इसलिए वो मैं इच्छा पूरी कर रहा हूँ, और वहाँ जगन्नाथ जी को तुम ये गीत गोविंद सुनाओ, ये उनकी इच्छा है, वहाँ भी जाके ये गीत गोविंद सुनाओ। और वही गीत गोविंद जब मैं महाप्रभु के रूप में आऊंगा तो वो मैं श्रवण करूंगा। गुरुदेव कहते हैं दास भाव से जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति हमारी जैसे जैसे ऊपर पड़ेगी, सिद्ध होती जाएगी, तो महाप्रभु जी में हमें क्या दिखने लगेंगे, राधा कृष्ण। जैसे रामानंद राय जी को महाप्रभु जी के संग वार्ता करते 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 बाद में उन्होंने कहा कि आप तो स्वयं भगवान हैं, अपना रूप दिखाओ, तो उन्होंने क्या देखा, राधा कृष्ण देखे। और कौन से रस राज कृष्ण, हल्के फुल्के नहीं, रस राज मतलब क्या, द्वारका वाले कृष्ण नहीं देखे, कौन से कृष्ण देखे, रस राज। और राधा रानी कौन सी देखी, जो अपने प्रेम में उनको डुबो लेती है, महाभाव स्वरूपा, महाभाव स्वरूपा रसराज, उसको देख के और फिर वही महाप्रभु बने, और ऐसे स्थिति को देख कर वो एकदम घबरा गए, मूर्छित हो गए, कौन, रामानंद राय। और उस समय कृष्ण ने उनको, महाप्रभु ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया कि इसका वर्णन आगे नहीं करना, ये बड़ी ऊंची चीज है, प्राप्त कैसे हुआ। तो वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, उनको वो रामानंद राय संवाद उठा तो सुने तो देखें किस तरह से विशाखा सखी होते हुए रामानंद राय महाप्रभु जी को माधुर्य भाव में नहीं, किस भाव में, दासी भाव में उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या आ रहा है, वो राधा कृष्ण को देख पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, बस दो तीन मिनट में और लूंगा, दो तीन मिनट में और लूंगा। गुरुदेव कहते हैं दास्य भाव का मतलब है कि जिसकी आप सेवा करना चाहते हो उसके कहना मानो, वो जो चाहता है वो पूरा कर। तो वो क्या चाहता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलोर नास्ते 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 करके सुनते। और गुरुदेव बता रहे हैं तीन बार बोला, नहीं कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या मतलब नहीं है, नहीं, इसका मतलब जोर देके कह रहे हैं, किसी को भूख नहीं लगे, कोई बार बार कहे खाना खा लो तो गुच्छला के कहे ना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, तो इसी तरह से हम इंसिस्ट कर रहे हैं तीन बार कह के कि नाम करना ही है। अब कैसे नाम करें, फिर खुद कहते हैं, खुद महाप्रभु जी ने कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काले, स्तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काले। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दी है, विश्वास ही नहीं होता हमको, हमें नाम कृष्ण का नाम एक साधारण नाम जैसा लगता है, ऐसा लगता नहीं है कि भगवान क्षण में सारे ब्रह्मांड बनाते हैं, क्षण में सारे ब्रह्मांड समाप्त कर देते हैं। भगवान ने इस तरह तक की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सारी शक्ति इस नाम में डाल दी है, इस श्रद्धा की कमी के कारण अनुरागी नहीं होता राम में, नाम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणे न काले, एता हर्षितम कृवा भगवान नमापि दुर्देव मी दृश मिहाजनी न अनुरागा, मैं इतना दुर्भागा हूँ कि इस नाम में मेरा क्या नहीं हो रहा, अनुराग नहीं। तो मतलब क्या है कि भगवान के दास भाव में महाप्रभु जी की भक्ति करनी है तो हमें नाम जाप नहीं करना, खाली नाम में अनुराग लाना है, नाम में श्रद्धा लानी है, स्टार्टेड इसको नामी समझ के, नामी की पूरी शक्ति वाला समझ कर फिर हमें जाप करना है। कह
कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया, जनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानि न मानने कीर्तन्य हो सदा। ये चार चीजें हमें रखनी है, तिनके से भी ज्यादा अपने को दीनहीन समझकर, फिर से भी ज्यादा सहनशील समझ के, कोई कुछ कह दे बस ऐसी तैसी हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। ना उद्वेग दो और ना उद्वेग लो, ऐसी स्थिति में आकर कोई कुछ कहे मस्ताना मस्ती में, आग लगे मस्ती में, ऐसी जिंदगी बिताओ, ये संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान का। अब हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को कोई मुश्किल नहीं है, वो माइंड ही नहीं करता। ऐसा नहीं कि उसका माइंड नहीं है, कितना बड़ा है माइंड तो, लेकिन माइंड नहीं करता। किसी ने कहा कि बात तो चुभती है लेकिन हम क्षमा कर देते हैं। क्षमा करना निचला हिस्सा है, लेकिन बेस्ट हिस्सा क्या है, क्षमा करने की नौबत ही नहीं आया। जैसे हरिदास ठाकुर को कितने कोड़ों में मारे गए, उन्होंने उस चीज को बुरा माना ही नहीं, बुरा ही नहीं माना उन्होंने, वो क्या हुआ ऐसा लगा ही नहीं उन्होंने जैसे कोई खुजली हो गई, किसी ने कर दिया, भगवान ने उनको दर्द ही नहीं होने दी। तो कहने का तात्पर्य है कि सहिष्णुता बहुत जरूरी है, और यही हमें तिनके जैसा अपने बनाएगी, हम्बल बना देगी। अच्छा, हम्बल बनने के लिए जल्दी मैं एक बात बता दूं, अपने को कुछ समझ बैठे हम तो हम्बल नहीं हो सकते हैं। हम किसी काम के नहीं है, निकारे हैं, निकम्मे हैं, और हमसे कुछ हो नहीं सकता, इस पर इस बात को दृढ़ विश्वास कर ले, फिर हम किससे कहेंगे कि हम तुमसे अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमको हम्बल नहीं होने देती है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम्बल नहीं होने देता। और फिर सबको मान लो और किसी से मान लो नहीं, मतलब सबकी तारीफ करो, निंदा किसी की नहीं करो। यही मान देना का मतलब हुआ, सबकी तारीफ करो, किसी की निंदा नहीं करो। जो निंदक है, जो बुराइयां करता है, अगर हम उसकी उसकी निंदा करते हैं तो ठीक है क्या? बोलते हैं उसकी तो निंदा करनी जैसे लगती है, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो यशस्वी है, अच्छे कार्य करता है, उसकी हम तारीफ करें तो बात सही है, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है। लेकिन जो व्यक्ति तारीफ के काबिल भी नहीं है, उसकी भी तारीफ कर दे हम किसी तरह से, वो कमाल की बात है। और कुछ नहीं तो ये जो जीव आत्मा है, आत्मा जो है भगवान का विभिन्न अंश है, इसके संग परमात्मा रहते हैं, यही तारीफ काफी है। अमाने ना माने, बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह से हम दास्य और शांत भाव से महाप्रभु जी की भक्ति करेंगे तो हमारे को फिर राधा कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति। All prima.